दोस्तों नमस्कार। त्योहारों से संबंधित कुछ खास जानकारी लेकर मैं गीता गोचर आप सभी के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ अपने चैनल और अभिषेक भटनागर चैनल के माध्यम से। आज हम खास तौर पर बात करेंगे धनतेरस, जो कि दिवाली से 2 दिन पहले मनाई जाती है और मान्यता यही है कि इस दिन अगर कोई खरीदारी की जाए कोई भी स्पेशली कीमती वस्तुओं की, तो वो हमारे जीवन में सुख समृद्धि और धन धान्य को बढ़ाने वाली होती है। तो दोस्तों क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अगर हम राशि अनुसार जाने तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर हम राशि के अनुसार खरीदारी करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अब राशि वाइज चंद्र राशि के अनुसार मैं आपको खरीदारी क्या करनी है और उपाय क्या करना है ये बताने जा रही हूँ। आप हमारे चैनल्स पर हमारे साथ बने रहिए, हमारी हर आने वाली वीडियो को देखिए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से, धनतेरस को। मेष राशि को क्या खरीदना चाहिए? मेष राशि को सबसे पहले खरीदारी की शुरुआत किसी मिठाई से, स्पेशली वो मिठाई अगर गुड़ की होती है तो उससे करनी चाहिए। उसके अलावा तांबे या पीतल का कोई बर्तन खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप अपने पूजा स्थल के लिए कोई खास वस्तु खरीदते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी शुभ फलदायक होगी। उपाय क्या करना है? तांबे का लोटा या कोई भी बर्तन, साथ में चावल आपको मंदिर में या किसी पुजारी को भेंट करना है। आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि वालों को चांदी का आभूषण या चांदी का कोई बर्तन इस दिन ज़रूर खरीदना है। अगर हो सके वो आभूषण चांदी या सोने का अपनी पत्नी या किसी स्त्री के लिए खरीदें तो वो और भी ज़्यादा शुभ फलदायक रहेगा। इससे आपस में प्यार और सद्भाव बढ़ेगा और माँ लक्ष्मी का निवास हमेशा आपके घर में बना रहेगा। उपाय क्या करना है? चांदी की जोत में घी भरकर धार्मिक स्थल पर उस दीपक को प्रज्वलित करके आना है उस दिन आपको। ये आपका उपाय है। आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वालों को धनतेरस के दिन अपने व्यापारिक स्थल जहाँ वो काम करते हैं उसके लिए कोई पूजा का सामान, स्पेशली अगर कोई मूर्ति खरीद सके तो वो बहुत अच्छी रहेगी और वो मूर्ति चांदी या पीतल की ही होनी चाहिए, मिट्टी की ना हो। और उपाय क्या करना चाहिए? अपने पैसे वाले स्थान पर जहाँ आप पैसा रखते हो, जो गल्ला या तिजोरी बोला जाता है, उस स्थान पर चांदी की डिब्बी में दूर्वा भरकर उस दिन रखें, आपको काफ़ी फायदा होगा। आते हैं कर्क राशि पर। कांसे या पीतल का बर्तन खरीदें और साथ में सफ़ेद मिठाई ज़रूर लेकर आएँ, उसे खाएँ, माँ लक्ष्मी को भोग लगाएँ और उस प्रसाद को और लोगों में भी बांटें। उपाय क्या करना है? चावल और चीनी को किसी बर्तन में भरकर शिव प्रतिमा पर अर्पित करना है, ये आपका उपाय है। आते हैं सिंह राशि पर। पीतल का बर्तन या सोने का आभूषण आप इस दिन खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कोई वस्त्र ऊनी या कोई चमकीला महंगा वस्त्र खरीदना चाहें तो वो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। उपाय के तौर पर आपको सतनाजा या गेहूं का दान इस दिन गुड़ मिलाकर करना है। आते हैं कन्या राशि पर। चांदी के बर्तन या घर का सजावटी सामान आपको इस दिन ज़रूर खरीदना है। वो फ्लावर्स भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसी सुंदर वस्तु जो आपके घर की सजावट को निखारे, कोई सीनरी, कोई फ्लावर पॉट, कुछ भी वो आपको खरीदना होगा। और नहीं कुछ भी खरीदना है तो अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीद सकते हैं इस दिन। उपाय क्या करना है? हरी मूंग और चावल को कृष्ण जी को अर्पित करना है इस दिन। आते हैं तुला राशि की ओर। चांदी का लोटा या गिलास खरीदना है जिसे आपने दिवाली वाले दिन पूजा के समय, माँ लक्ष्मी की पूजा के समय इस्तेमाल करना है। और उपाय क्या करना है? चीनी व गुड़ से बनी हुई मिठाई गरीब बच्चों में बांट कर आनी है। आते हैं वृश्चिक राशि की ओर। पीले वस्त्र, पीतल के बर्तन या सोने के आभूषण वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को खरीदनी चाहिए। उपाय क्या करना है?
पढ़ने वाले बच्चों को पेंसिल, पेन या कोई भी स्टेशनरी से संबंधित सामान आप भेंट कर सकते हैं। आते हैं धनु राशि की ओर। पीतल या चांदी का बर्तन, स्पेशली अगर वो बर्तन लोटा हो या कोई ऐसा बर्तन जिसका मुंह ऊपर से बंद हो, नीचे से वो काफ़ी स्पेशियस हो, तो उस तरह का बर्तन खरीदना है। उसके साथ साथ आपने अनाज से बने हुए लड्डू आते हैं गुड़ के, वो खरीदने हैं और उनका भोग भी लगाना है और उसे स्वयं भी ग्रहण करना है। उपाय क्या करना है इस राशि वाले व्यक्तियों को? काली उड़द, सरसों का तेल या चना, इन तीनों में से किसी भी एक वस्तु का दान मंदिर में करें, फायदा होगा। आते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि वाले लोगों को गर्म वस्त्रों की खरीदारी ज़रूर करनी है, चाहे वो किसी को देने के लिए करें चाहे अपने लिए करें। साथ में कोई अगर सोने का आभूषण अगर आप ले सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, तो वो काफ़ी फायदेमंद होगा। उपाय क्या करना है? गुड़ से बनी वस्तुएं या कंबल का दान करना है किसी भी गरीब व्यक्ति को या मंदिर में। आते हैं कुंभ राशि की ओर। भगवान की प्रतिमा या मंदिर की चीज़ें आपको इस दिन खरीदनी है, और ये अगर प्रतिमा आपके पास है तो आप सोचेंगे बार बार मैं कितनी प्रतिमा खरीद, तो आप मंदिर के लिए ईश्वर की जो भी आपके घर में मूर्ति है उसके लिए बहुत सुंदर कीमती वस्त्र या कोई आभूषण खरीद सकते हैं। उपाय क्या करना है? काले कंबल या उड़द का दान इस दिन आपको करना है। आते हैं अंतिम राशि, मीन राशि पर। सोना, चांदी, हीरे, कुछ भी जो आपकी सामर्थ्य हो। देखिए, सामर्थ्य से बढ़कर हमें कुछ नहीं करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हर कोई कीमती वस्त्र या कीमती चीज़ें नहीं खरीद सकता, तो उनके लिए भी कुछ जनरल उपाय होते हैं, जनरल चीज़ें होती हैं जो आप खरीद सकते हो। जो चांदी नहीं खरीद सकता वो स्टील खरीदता है, जो पीतल खरीदता है, कुछ भी। आप अगर आप बड़ा बर्तन नहीं खरीद सकते तो आप छोटा खरीदते हैं, लेकिन खरीदारी अवश्य करनी चाहिए। मीन राशि वालों को सोना, चांदी कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर गाड़ी का विचार हो तो गाड़ी भी खरीद सकते हैं। उपाय क्या करना है? चने की दाल, चांदी की कटोरी या किसी भी कटोरी में भरकर मंदिर में देकर आनी है। तो दोस्तों, ये थे राशि वाइज उपाय। इसके अलावा अगर आप लोग राशि नहीं जानते या आप लोगों को लगता है कि हमें राशि नहीं मालूम, हम कैसे डिसाइड करें, तो ठीक है, जनरल जो भी उपाय है आपको मैं बताती हूँ। आप कोई मिठाई, कोई बर्तन और कोई छोटा सा आभूषण, चाहे भले ही वो मंदिर में भगवान को चढ़ाने वाली कोई माला ही हो, कोई भी माला हो, कोई घर की सजावट का सामान और कोई वस्त्र, यह अवश्य खरीदें उस दिन, ज़रूर खरीदें। और उसके साथ साथ एक खास उपाय है जो बहुत ही सस्ता और सटीक है, कि धनतेरस के दिन आपको घर में झाड़ू ज़रूर लेकर आनी है। झाड़ू घर में इस दिन लाने से माँ लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा होती है और आपके घर में धन, वैभव, सुख, समृद्धि सभी कुछ बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थे धनतेरस के दिन की जाने वाली खरीदारी राशि अनुसार और कुछ उपाय। बने रहिए हमारे साथ आने वाली हर वीडियो में, क्योंकि त्योहारों की जितनी भी वीडियोस होंगी वो आप हमारे साथ देखते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को शुभ दीपावली, हैप्पी धनतेरस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।